हर इंसान में बहुत क्षमता होती है, वह जो चाहे कर सकता है, लेकिन वह इस क्षमता का इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि इंसान हमेशा मेहनत करने से बचता रहता है। वह हमेशा उसी रास्तों को चुनता है जो आसान होते हैं। आज की कहानी भी उन्हीं लोगों के लिए है जो मेहनत करने से डरते हैं और जीवन चलाने के लिए आसान रास्तों का चुनाव करते हैं, लेकिन जब वे मेहनत करते हैं तो कैसे उनकी किस्मत बदल जाती है। आसान रास्ते दुख का कारण। एक समय की बात है, एक गुरु और शिष्य जा रहे थे। उन दोनों को रास्ते में बहुत प्यास लगी, लेकिन उन्हें कहीं पानी नहीं मिल रहा था। बहुत भटकने के बाद उन्होंने एक झोपड़ी देखी। वह दोनों झोपड़ी के तरफ बढ़े। एक गरीब किसान झोपड़ी से बाहर आया। उसके साथ उसकी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। सभी की हालत खराब थी, उनके कपड़े फटे हुए थे। गुरु ने कहा, हमें प्यास लगी है, क्या हम दोनों को पीने के लिए जल मिलेगा? गरीब किसान ने आदर के साथ उन्हें पानी दिया और दोनों की प्यास बुझ गई। गुरु ने देखा, इस किसान के पास तो इतनी जमीन है, लेकिन यह बिल्कुल बंजर है। यह क्यों इस जमीन पर मेहनत नहीं करता? रात बहुत हो चुकी थी, इसलिए किसान ने दोनों को रात में अपनी झोपड़ी में विश्राम करने को कहा। किसान की हालत देखकर गुरु बोले, तुम्हारे पास इतनी जमीन है, फिर तुम इसमें खेती क्यों नहीं करते? किसान बोला, गुरु जी, मेरे पास एक भैंस है, उसी का दूध बेचकर हम अपना गुजारा चला लेते हैं, तो फिर बेवजह खेत पर काम करने की क्या ज़रूरत है? गुरु बोले, तुम अपनी पत्नी और बच्चों की तरफ देखो, सबका चेहरा कितना तेजहीन हो गया है, इसके पास पहनने के लिए फटे कपड़े हैं, तुम खुद कितने दुर्बल हो गए हो। क्या तुम्हारा दायित्व नहीं बनता कि तुम अपने परिवार के लिए मेहनत करो? किसान ने बोला, उसने बड़ी लापरवाही से उत्तर दिया, गुरुजी, ईश्वर हमें भोजन तो दे ही रहे हैं, फिर इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत? यह कहकर वो ठहके मार कर हंसने लगा। गुरु और शिष्य सोने चले गए। आधी रात को गुरु ने शिष्य को जगाया और कहा, हम दोनों मिलकर किसान की भैंस को जंगल में छोड़ आते हैं। शिष्य बोला, गुरु जी, ये आप क्या कर रहे हैं? इस गरीब किसान ने हमें पानी पिलाया, रात में सोने की व्यवस्था करी, वैसे ही इसकी हालत इतनी खराब है, इसके परिवार के बारे में सोचिए, आप ऐसा मत करिए। गुरु ने कहा, मैं तुम्हारा गुरु हूँ, मुझ पर यकीन करो और मेरा साथ दो। शिष्य होने के नाते उसने गुरु की बात मान ली। दोनों ने मिलकर किसान की भैंस को जंगल में छोड़ा। सुबह सूरज की पहली किरण निकलते ही किसी को बिना बताए दोनों वहां से चले गए। 10 साल बाद, इस घटना को 10 साल बीत गए। 10 साल के बाद वह गुरु अब इस दुनिया में नहीं रहे। वह शिष्य अब खुद गुरु बन चुका था, पर उसके मन में एक गलानी थी। 10 साल पहले किसी गरीब किसान को वह संकट में ढालने का भागीदार था, इसलिए वह किसान की हालत देखने झोपड़ी की तरफ गए, पर वह झोपड़ी वहाँ नहीं थी, बल्कि एक सुंदर सा घर था और लहराते हुए खेत थे। यह देखकर वह सोचने लगा, शायद अब वह यहाँ से जा चुका है। उसकी गलानी और बढ़ गई, कहीं भूख और गरीब से उस किसान और उसके परिवार की मृत्यु तो नहीं हो गई? शिष्य वापस आने ही लगता है, अचानक उसकी नज़र किसान पर पड़ी। किसान ने जैसे ही उसे देखा, वह दौड़कर उसके पास आया और कहा, अरे आप, मैंने आपको पहचान लिया, 10 साल पहले आप हमारी झोपड़ी में आए थे, लेकिन बिना बताए ही आप जाने कहाँ चले गए? शिष्य ने पूछा, यह खेत तुम्हारे हैं? किसान ने कहा, हाँ, यह खेत मेरे हैं,
अब आपको क्या बताऊं, जिस दिन आप गए थे उसी दिन से ना जाने हमारी भैंस कहाँ चली गई थी। बहुत ढूंढा पर नहीं मिली, हमारे पास खाने को कुछ नहीं था, इसलिए मजबूरन मैंने अपना पूरा ध्यान खेती पर लगा दिया और दिन रात मेहनत करके अपना व्यापार शुरू किया। भगवान की कृपा से अब मैं बहुत खुश हूँ, अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण कर रहा हूँ। शिष्य यह सब सुनकर बहुत खुश हुआ और उसके मन से बोझ उतर गया। वह अब समझ गया गुरु ने आखिर ऐसा क्यों किया था, ताकि किसान मेहनत करे और अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। शिष्य ने अपने गुरु को मन ही मन प्रणाम किया। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि कभी कभी आसान रास्ते दुख का कारण होते हैं। अगर अपने दुखों को दूर रखना है तो पहले आसान रास्ते से हटो, मेहनत का रास्ता चुनो, जैसा कि गरीब किसान ने किया और अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बना दिया। धन्यवाद।